हेलो प्यारे दोस्तों तथा विद्यार्थियों, सेक्रेट ऑफ सक्सेस के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको अपनी शक्तियों को आइडेंटिफाई करना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानना होगा तथा समय रहते उस दिशा की तरफ चलना होगा जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तथा शक्तियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उससे पहले आपको इसका बेसिक सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमेशा ही यह याद रखिए कि मनुष्य में अनंत शक्तियां हैं। इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि मनुष्य में अनंत शक्तियां हैं, ना आद ना अंत। इतनी शक्तियां हैं मनुष्य में यदि वो अपने आप को पहचान जाए। ऐसा दुनिया में कोई भी मुश्किल काम नहीं हो सकता जो मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमात्मा की सबसे पावरफुल एक आइडेंटिटी है। तो मनुष्य को यह समझना होगा कि मैं शक्तिशाली हूं तथा मुझ में अनंत शक्तियां हैं। अब आ गई दूसरी बात, मनुष्य अपनी जो कैपेसिटी है, अपने कार्य करने की जो शक्ति है, उसका सिर्फ 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। यह जान लीजिए आप, अगर आप में अनंत शक्तियां हैं तो उसको इस्तेमाल आपको ही करना होगा पूरे 100% से। मान लीजिए आपके पास वही 8 घंटे हैं, इसी 8 घंटे में आप रोटी भी खाते हो, सोते भी हो तथा काम भी करते हो, तथा इसी 8 घंटे में आपने अपनी अनंत शक्तियों का प्रयोग भी करना है, तभी तो आप सफल हो सकोगे। यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी पूरी 100% कैपेसिटी से कर सकते हो तो आपको भी सफलता प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात है ही नहीं। जब मैंने आपको कह दिया कि इसमें कोई डाउट करने वाली बात है नहीं, तो डाउट हो नहीं सकता। डाउट तब होगा जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, जब आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे। जो मनुष्य पॉजिटिव सोचता है वो हमेशा ही सीधे रास्ते चलता है। अरे भाई, हमेशा ऊपर देखो, कभी कभी नीचे भी देखो। इसका मतलब नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भैया जो नीचे देखता वो नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो आपकी सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। मींस मैं एग्जांपल बता सकता हूं कि आप एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है भाई, आप एग्जाम में फेल हो गए तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं, इसमें टेंशन होने वाली कोई बात नहीं। ये तो एक खुशी की बात है कि आप फेल हो गए, आपका जो ब्रेन है अभी खाली है, आपको कुछ चीजें याद नहीं हुई जो पेपर में आ गई। तो आपकी शक्ति तो अभी वो जो अनंत शक्ति है, आपके जो अंदर का ब्रेन है वो उसको प्राप्त करने के अवेलेबल है, आपका स्टोर जो है खाली है। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। आप एक बार नहीं तो 10 बार फेल हो जाइए, जीवन पास और फेल की ही तो पॉइंट है। इसमें ना कोई डरने वाली बात है, ना ही टेंशन लेने वाली बात है, ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग वाली बात है। ऐसी अनंत समस्याएं हैं जो सफल व्यक्ति इसको सहन कर लेता है। अनंत समस्याओं में पॉजिटिव व्यू सकता है, वो हमेशा ही सफल रहता है। अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अपनी कैपेसिटी को 100% यूज करना है, इसके ऊपर संकल्प कीजिए तथा आपकी अनंत शक्तियां हैं उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये भी एक शक्ति है, इसमें भी मैं सफल हो सकता हूं, इसमें भी मैं इस काम को करूं तो इसमें भी सफल हो सकता हूं। तो देखिए कि बहुत कम समय में आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओगे जो सफल व्यक्तियों का लेवल है।
धन्यवाद।